तो पता चले कि हम जिंदा बादशाह की ईद को सेलिब्रेट करने को हैं जब नारा लगाएं तो पता चले कि हम जिंदा खुदा की शान में जमा हैं आप कहेंगे जी चले जी आशिर ने तो माइक ले लिया हमारे पास तो माइक नहीं हमारे पास गले हैं मैं भी अपने गले के साथ आपका साथ दूंगा क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत की है उसके उसको और ज्यादा इज्जत देंगे हालेलुया मुझे आज भी याद है कि जब हमने चर्च शुरू किया था और जब हमारी गुड फ्राइडे की पहली सर्विस सर्विस थी और उस पर पादरी साहब ने मुझे मौका दे दिया और मैं प्रजाइड कर रहा था और ये लाइन वालों तक मेरी आवाज़ पहुंचती थी तो मैं बड़ा खुश था कि मैं प्रजाइडिंग कर रहा सो so, जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो हमें गला फाड़ कर प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि जब हम उसके हजूरी में आए तो उसके नाम को जलाल दे सके आज जिस दिन के बारे में जिस दिन की सेलिब्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर है वो है क्रिसमस और क्रिसमस का जो मुंबा है क्रिसमस जिसकी वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस जिसकी वजह से हम मना रहे हैं क्या वो हमारी जिंदगी में है क्या उसका मकसद हमारी जिंदगी में है क्या उसका गोल हमारी जिंदगी में है क्या वो जिस एम को लेकर आया था वो हमारी जिंदगी में है वो जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद हमारी जिंदगी के अंदर है एंड ऑफ दिस दिस इस साल के आखिर में आपने सोचना है आज क्या है 18 दिसंबर है और थोड़े ही दिनों के अंदर यह साल खत्म होने को है और हम नए साल की तरफ जाने को हैं, लेकिन क्या अगला साल भी इसी तरह होगा हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे हम उस इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे और यह एक इवेंट ही रह जाएगा मसीह के आने का मकसद क्या था यस्सु मसीह के आने का मकसद क्या था और यस्ु मसीह क्यों इस दुनिया में आए उस मकसद की की तरफ हाँ, आज हम गौर करेंगे उस मकसद के ऊपर हम ध्यान देंगे उस मकसद की तरफ हम बात करेंगे कि वो क्यों आए यस्सु मसीह के आने का मकसद यस्सु मसीह के आने का जो खास काम था वो काम था निजात सु मसीह हमको निजात देने के लिए आए यस्ु मसीह हमें बचाने के लिए आए यस्सु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आए और यस्सु मसीह हमारे उन सारे गुनाहों से रहाई देने के लिए आए क्या हम यस्सु मसीह के इस मकसद में क्या यस्सु मसीह के इस मिशन के ऊपर हम कार, कार फरमा है और जब मैं इसको देख रहा था निजात जो है निजात का मतलब है बचाने वाला निजात का मतलब है चुड़ाने वाला निजात का मतलब है हिफाजत करने वाला शिफा देने वाला यानी कि आपको हर उस बुरी चीज से बुरी ख्वाहिश से रूहानी और जिस्मानी तौर पर निजात देने वाला और ये है निजात के मीनिंग और जब हम निजात को देखते हैं क्या जब हम बाइबल मुकदस को देखते हैं निजात को तो बाइबल मुकदस में मत्ती की अंजील उसके पहले बाप और उसकी उन्नीस आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है मत्ती की अंजील उसका पहला बाप और उसकी उन्नीसवीं आयत और थ्रू आउट हम इसको इक्कीसवीं आयत तक देखेंगे और जब हमारी मरकजी आयत होगी वो वर्ष ट्वेंटी वन होगी और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और यस्ु मसीह के आने का मकसद हमें यहाँ क्लियर नज़र आता है सु मसीह के जन्म दिन का मकसद हमें क्लियर नजर आता है और यह गवाही और यह न्यूज जो है ये हमें बिशारत गुड न्यूज दे रहा है उनको बता रहा है और ट्वेंटी वन वर्स को जब हम देखते हैं उसके लिखा है उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा यहां निजात के बारे में हमने मैंने आपको बताया पहले निजात का जो तस्वर था पहले जो निजात की की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ युदियों के लिए थी यूदी कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ निजात दिंदा हमारे लिए आएगा सिर्फ और सिर्फ निजात दिंदा हमें बचाने के लिए आएगा वो गैर कौमों के बारे में अदर नेशन के बारे में कभी भी नहीं सोचते थे उस वक्त हमारे बारे में कोई ख्याल नहीं था कि हम भी बच जाएंगे हमें भी कोई बचाने वाला आएगा लेकिन यस्सु मसीह हर कौम और कबीले को बचाने के लिए आए हैं मसीह के आने का मकसद यह है कि हर कौम और कबीला बच जाए और हर कौम और कबीला उसके नाम को इज्जत दे हिमाल की किताब में लिखा है जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा इमाल की किताब उसके दो बाप और उसकी इक्की में लिखा है जो कोई क्या उसकी निजात हमारी जिंदगी के अंदर है क्या उसकी निजात के काम हमारी जिंदगी के अंदर है आज हम एक नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं। हम संडे टू संडे जाने वाले मसीही हो गए हैं और निजात का काम हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता और इस मकसद को आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर लेना है रिश्ते ने क्या गुड न्यूजी है कि उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यसू रखना वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा मसीह निजात देने के लिए आए मसीह मखलसी देने के लिए आए मसीह रहाई देने के लिए आए मसीह मौत से आपको निजात देने के लिए आए मसीह आपको शिफा देने के लिए आए मसीह आपको खौफ से रहाई देने के लिए आए सु मसीह के आने का मकसद हमें जानने की जरूरत है यस्सु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद के ऊपर हमें कार फरमा होने की जरूरत है उस पर हमें चलने की जरूरत है और आज हम उसकी उन बातों की तरफ गौर नहीं करते और जब हम देखेंगे मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा एक पॉइंट को हम देखेंगे दुखों से रहाई और ज़बूर की किताब उस ज़बूर थर्टी फोर और उसकी सिक्स वर्ड्स को देखेंगे जबूर चौंतीस जी कोई पढ़ने में रहनुमाई करे ज़बूर चौंतीस उसकी छे आयत इस गरीब ने दुहाई दी खुदावन ने उसकी सुनी और उसके सब दुखों से बचा लिया इस गरीब ने दुहाई दी और खुदा ने उसकी सुन ली और जब आप उसके हजूर में आकर दुहाई देते हैं जब आप उसके हजूर में आकर दुआ करते हैं जब आप उसके हजूर आके मिन्नत समाजत करते हैं जब आप उसके हजूर गिड़गाते हैं जब आप उसके अपनी इल्तजाएं लेकर आते हैं जब आप दुआ करते हैं जब आप उससे मांगते हैं जब आप उससे कहते हैं कि हमारे दुखों से हमें रिहाई दे दे तो वो आपके दुखों से आपको रिहाई देता है जबूर क्या कहता है कि मैंने उसके हजूर में दुहाई दी और उसने मेरे सब दुखों से मुझे बचा लिया सब दुखों से आपके दुख कैसे भी आप आपकी आपकी मुश्किलें कैसी भी हैं आपकी परेशानियां कैसी भी हैं उन सारे दुखों से रिहाई देने में एक ही नाम है वो बाइबल मुकदस में हमने क्या पढ़ा है उसके बेटा होगा और नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निचात देगा सिर्फ और सिर्फ दुखों से रहाई एक ही नाम में है वो नाम यस्सु नाम है आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम में नजात है वो एक ही नाम है वो यसु नाम में है और जब हम इसको पढ़ते हैं ज़बूर को और उसकी 6 वर्ष को उसकी पढ़ते हैं यह लिखा है कि गरीब ने दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली जब आप उसके हजूर में आके दुहाई देंगे जब आप उसके हजूर में आके गिड़गड़ाएंगे जब आप उसके हजूर में आके दुआ करेंगे आप कहेंगे के खुदा मेरे इस दुख को मेरे इस रोग को मेरी इस मुश्किल को मेरी इस परेशानी को मेरी जिंदगी से निकाल दे तो वो आपकी सुनेगा वो आपको उस दुख से बचा लेगा वो आपको उस दुख से निकाल लेगा वो आपको उस दुख से आपकी जान को बचा लेगा क्योंकि वो सुनने वाला खुदा है वो जिंदा खुदा है वो आपकी दुआओं पे, आपकी अल्तजाओं पर कान लगाने वाला खुदा है क्या पड़ा है कि गरीब ने दुहाई दी और खुदा ने उसकी सुनी बहुत सारे लोग अपने दुखों के अंदर अपनी परेशानियों के अंदर फैडअप हो जाते हैं वो कहते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता खुदा हमारी तरफ ध्यान नहीं लगाता खुदा हमारी तरफ मतवजो नहीं होता लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब आप खुदा की हजूरी में आकर दुआ करेंगे जब आप अपनी इल्तजाएं उसकी हजूरी में लेकर आएंगे जब आप अपनी सारी मुश्किलें उसकी हजूरी में लेकर आएंगे और उसको बताएंगे तो वो आपकी सुनेगा और आपके सारे दुख और परेशानियां खत्म हो जाएंगी क्यों क्योंकि जबूर में लिखा है गरीब ने दुहाई दी और खुदा ने उसकी सुनी और उसके सब दुख दुखों से उसको बचा लिया वो आपके सारे दुखों से आपको बचा लेता है क्यों क्योंकि वो निजात देने के लिए आया है वो आपको बचाने के लिए आया है वो आपको छुड़ाने के लिए आया है वो आपकी हर एक परेशानी से रहाई देने के लिए आया है और जब इस चीज को हम देखते हैं तो वो हमें हर किस्म की मुश्किल और परेशानी से निकाल देता है और जब हम इसी मेन वर्स को देखते हैं वहाँ लिखा है कि उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रहाई देगा तो आपके गुनाह भी चले जाएंगे आपके गुनाह कैसे भी हों किरमजी भी हों कितने भी बड़े हों उन सारे गुनाहों से उन सारी इन ऐसी बातों से एक ही नाम रहाई देता है वो नाम है यस्सु नाम और जब हम उस नाम में आ जाते हैं हम जब उस नाम के सामने आके खड़े हो जाते हैं तो खुदा हमें बचा लेता है और जब मैं निजात के बारे में देख रहा था तो इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो है सोजो और सोजो का मतलब है बच गए आज़ाद हो गए हिफाजत करना शिफा देना और हर वो चीज़ से जो आपके लिए मुश्किल पैदा करती है उसमें बचाने जो बचाता है इसका मतलब है निजात यानी कि आपको बचाना आपको छुड़ाना यानी कि आपकी कैसी भी मुश्किल हो उस चीज मुश्किल से परेशानी से आपको निकाले और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है वो कौन सा नाम है जी नाम। उस नाम के अंदर मखलसी है उस नाम के अंदर रहाई है उस नाम के अंदर निजात पाई जाती है उस नाम के अंदर शिफा पाई जाती है उस नाम के अंदर सब कुछ है और वो नाम है यस्सु नाम हम इसी आयत के ऊपर गौर कर रहे हैं मत्ती की अंजील उसके पहले बाप और उसकी उन्नीस आयत में और उसके लिखा है कि उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यसु रखना यस्सु रखना और जब हम यस्सु के ऊपर गौर करेंगे जब यस्सु के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे जब यस्सु की तरफ हम मतवजो होंगे जब यस्सु की तरफ हमारा हमारा ध्यान हो जाएगा तो हमारी जिंदगी के अंदर से गुनाह चला जाएगा हमारी जिंदगी के अंदर से हर किस्म की बदी चली जाएगी लिखा है कि निजात देने के लिए आया और जब यस्सु मसीह को हम देखते हैं और यस्सु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाएगा और युना की इंजील में लिखा है और कलाम मुजस्म हुआ और उसका जलाल हमने ऐसे देखा जैसे बाप के इकलौते का और ये जो कलाम है ये बाप का इकलौता है ये जो कलाम है ये खुदावन यस्सु मसीह है ये जो कलाम है ये खुदा की सारी बातें इसमें पाई जाती हैं और जब हम खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान करेंगे जब हमारा ध्यान यस्सु मसीह की तरफ होगा और खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान होगा तो हमारी जिंदगी बच जाएगी हम हम निजात पाएंगे और आज हमारा यही मसला है हम खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान नहीं करते हम खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं और जब हम कलाम को पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर निजात आनी शुरू हो जाएगी हमारी जिंदगी के अंदर शिफा आनी शुरू हो जाएगी और जो हमारा एक और पॉइंट है वो है कि मौत से रहाई जब आप यस्सु मसीह के पास आ जाएंगे तो आप मौत से भी रहाई पा जाएंगे हम देखेंगे इसको मत्ती की अंजील उसका पांचवा बाप सॉरी उसका ना नाव बाप मत्ती की अंजील उसका नावा बाप और उसकी है 25वीं आयत और इसको जब हम ऊपर से पढ़ते हैं ये इसमें आ, एक एक बे, आ, बेटी है जिसको यसु मसीह ने जिंदा किया है और और जब वहाँ यसु मसीह आते हैं तो वो वहाँ आकर उसको आज़ाद करते हैं और इससे पहले जब हम उसको वाक्य को देखते हैं वो सरदार जो है वो बड़ा ही आ, क्या कहना चाहिए सोच रहा होता है उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वो बड़ी यसु मसीह को रिक्वेस्ट भेज रहा है और यसु मसीह वहाँ आ नहीं रहे तो जब यसु मसीह आते हैं थोड़े से लेट हो जाते हैं तो यसु मसीह के आते आते वो जो सरदार की बेटी होती है जो हाई प्रेस्ट होता है उसकी बेटी का जो है इंतकाल हो जाता है वो फौत हो जाती है और यस्ुम उसी उस जगह आते हैं और यसुम उसी उनको कहते हैं कि भाई शोर शराबा नहीं करें रोए नहीं ये लड़की सो गई है और वो सारे लोग हंसना शुरू हो जाते हैं और वो समझते हैं कि यसुम उसी को पता ही नहीं लेकिन यस्ुम मुसी वहाँ आकर उस सरदार कहन की जो बेटी होती है जो सरदार होता है जो हाई प्रीस्ट होता है उसकी बेटी को भी जिंदा कर देते हैं ये है मसीह की क्वालिटी अगर आप मौत में भी हैं मौत के साया की वादी से भी आपका गुजर हो रहा है और अगर यस्सु मसीह आपके साथ है तो यसु मसीह आपको प्रोटेक्ट करेगा कब करेगा जब यस्सु मसीह हमारे दिल के अंदर होगा कब करेगा जब यसु मसीह हमारे साथ होगा कब करेगा जब हम यस्सु मसीह के साथ चल रहे होंगे जब यस्सु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर और हमारी जिंदगी के जरिए बड़े बड़े मौजात करेगा हमने कहना क्या है कि हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर पहन लेना है और जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो हमारी जिंदगी जिन्ग से हम मौत भी चली जाएगी फिर हम और से बरकत बनते चले जाएंगे फिर हमारी जिंदगियां और ज़्यादा जबरदस्त बन जाएंगी हम एक और हवाले को देखेंगे मर्किस की अंजील उसका दस बाप और इसकी फोर्टी सिक्स वर्ड से लेकर फिफ्टी थ्री तक इसको कोई पढ़े चालीस साइज से लेकर फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू तक नहीं जी मर्कज की इंजील उसका दस बाप हाँ जी छियालीसवें आयत और ये सुनकर के यस्सु नासरी है चला चला कर कहने लगा ए इब्न दाऊद ए यस्सु मुझ पर रहम कर रु आमेन हम इस कहानी को देखते हैं स्टोरी को देखते हैं कि एक अंधा है अंधा शख्स है और वो ये चला चला कर कह रहा है अबने दौद मुझ पर रम कर और वो चला रहा है बहुत जोर से चला रहा है वो चीख रहा है और बड़ी भीड़ है बहुत सारे लोग हैं बहुत शोर है और बहुत शोर के अंदर जब अगर आपने किसी तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो आपको बहुत चीखना पड़ेगा आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और यह बड़ा चीख रहा है लोडली कह रहा है और यह कह रहा है आए दाऊद मुझ पर रहम कर मुझ पर रहम कर मुझ पर रहम कर और बहुत सारे लोग हैं जो उसको चुप करवा रहे हैं भाई रोला ना पा चुप कर जा और बहुत सारे लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये चुप नहीं हो रहा और ज्यादा चला रहा है और ज्यादा चला रहा है और ज्यादा चला रहा है और कह रहा है मुझ पर रहम कर और ये आवाज जो है ये सुमुसी के कानों तक पहुंचती है सु मसीह के कानों में जैसे ही आवाज ये पड़ती है तो यस्सु कहते हैं ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है फिर लोग उस अंधे के बारे में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये अंधा तुझे पुकार रहा है और यस्सु मसीह कहते हैं इस अंधे को मेरे पास लेकर आओ और उस अंधे को यस्सु के पास लाया जाता है और यस्सु उससे पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं पीना हो जाऊं और वो पीना हो जाता है जब हम अपने उस मुश्किल के अंदर जब हम उस अपनी बीमारी के अंदर जब हम अपने रोग के अंदर, अंदर आकर कहेंगे आए हम पर रहम कर दे हमें बचा ले हमें छुड़ा ले हमें निकाल ले और हमारी जिंदगियों को आजाद कर दे तो वो आपको आजाद कर देगा वो आपकी सारी मुश्किलें आपका सारा दुख आपका सारा रोग आपकी सारी परेशानियां आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी क्योंकि वो चाहता है आप भी पीने हो जाए वो चाहता है आप जाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उसके लिए वैसा ही हो गया उसके ईमान के मुताबिक उसकी आंखें खुल गई और जब हम खुदा उन पर ईमान रखेंगे जब हम खुदा से मांगेंगे खुदा की दूरी में आके गिड़गिड़ाएंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर भी निजात आ जाएगी हमारी जिंदगी के अंदर भी शिफा आ जाएगी और उस दुख से उस रोग से उस परेशानी से हम निकल जाएंगे जैसे ये बर्तमाई निकल गया हम उस निजात के पैगाम को जो फरिश्तों ने सुनाया हम उससे आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रैक से पीछे हटते जा रहे हैं हम उस ट्रैक को छोड़ते जा रहे हैं और मत्ती की अंजील में खूबसूरत बात लिखी है उसके बेटा होगा और उसका तो नाम यस्सु रखना हमें यस्सु की जरूरत है क्रिसमस नए कपड़े पहनने का त्योहार नहीं बल्कि क्रिसमस यस्सु मसीह को पहनने का त्योहार है क्रिसमस के ऊपर इतनी क्या कहना चाहिए शोषाक करने की जरूरत नहीं बल्कि यीशु को जिंदगी में लेने की जरूरत है हम क्रिसमस के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं हम अपने चर्चि को डेकोरेट करते हैं हम अपने मोहल्लों को डेकोरेट करते हैं क्या कभी हमने अपनी जिंदगी को अपने दिल को डेकोरेट किया है उसके लिए क्या हमने कभी उसके लिए सोचा है कि मसीह मेरे दिल के अंदर आए मेरे मेरी दादू एक बहुत प्यारा एक पता नहीं जबूर है कि गीत है वो गाती थी मेरे दिल के बगीचे बिचे आ जा ये सू प्यारे सो so, इतना जबरदस्त वो गाती थी और ये गीत था कि मेरे दिल के बगीचे बच आ जा आज बड़े डेकोरेट करते हैं चर्च और मुझे याद है हम ख्वाद के साथ मिलके बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं अस कहते हैं एन होना चाहता है ओन होना चाहता है ए थे नीली लैटते थे, थे पीली लाइट तो थे ये थे वो हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं चर्च के लिए क्या हम अपना जो दिल है जो जिंदा चर्च है खुदा का कलाम कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड तुम जिंदा खुदा के मकदस हो क्या इस दिल को हमने उसके लिए रेडी किया है ये वो डे है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका डे है उन्होंने पावे खुडे लड़नाया हो हमें उसको अपने दिल के अंदर कॉर्नर में जगह नहीं बल्कि उसको मेन प्लेस देनी है और जब इस इस पैगाम को हम देखते हैं क्या पैगाम है उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना हमारा यस्ु कहाँ है हमारे दिल के अंदर दिल के बाहर दिल के कॉर्नर में यहाँ के बिल्कुल दिल से दूर इस चीज को आपने सोचना है ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं और इस सवाल के साथ आपने जवाब देना है आपने आपने खुदा को जवाब देना है आप खुदा को जवाब दे किसी शख्स या किसी इंसान को जवाब दे नहीं और जब आपके दिल के अंदर हर कॉर्नर में मसीह होंगे तो आपकी जिंदगी बायसे बन जाएगी आए आंखों को बंद कर लें हम दुआ करेंगे आंखें बंद कर लें और ये सोचें कि मेरा यस्ु कहाँ है मेरा यस्सु मेरे दिल की मेरे दिल के कौन से कॉर्नर कॉर्नर में है? क्या आज से 2,000 साल पहले जब यसु मसीह आए तो वो चढ़नी में आए तो क्या अभी तक यसु मसीह चढ़नी में हैं कि हमारे दिल के अंदर हैं अभी तक हमने उनको चढ़नी में रखा हुआ है कि हमने उनको दिल में रखा हुआ है इस चीज़ के ऊपर आपने गौर करनी है और इस चीज इस चीज़ के ऊपर अपने ध्यान लगाना है कि यस्ुम मसीह की कौन सी प्लेस होनी चाहिए यस्ुम मसीह कहाँ है क्या वो मेरे दिल के अंदर हैं कि नहीं हैं आप इसके ऊपर गौर कर आंखें बंद कर लें ध्यान को यस्सु की तरफ लगाएं और कमिंग ईयर में इस क्रिसमस के ऊपर और कमिंग ईयर के ऊपर अपने दिल को यसु की तरफ लगाना शुरू कर दें और इस बात को जो फरिश्ता ने बताई कि उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना यीशु आपकी जिंदगियों के अंदर होना चाहिए यीशु आपको हर मुश्किल से आपको परेशानी से आपको नाकामी से आपको हर किस्म की बदी से निकाल देगा क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है खुदा दो के खुदा मेहरबान खुदा तू जो हमारा अजली बादशाह है और तुझसे जुदा होकर खुदावंद हम कुछ भी नहीं कर सकते तुझसे जुदा होकर खुदावंद हमारी जिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं तो खुदावंद बख्श दे के हम अपनी जिंदगी को फ़ायदेमंद बना लें हम अपनी जिंदगी को बायस बरकत बना लें खुदावंद और तुझ यसु मसी को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें खुदान् और खुदान् आज इस डे के ऊपर खुदा मेरी दुआ है कि हर एक ज़िंदगी के अंदर यसु मसीह आ जाए और हर एक ज़िंदगी से बासबर बन जाए मसीह यसु के नाम से